रघुवीर, पहचान लिया पहचान लिया, मैंने तुम्हें अच्छे से पहचान लिया। जब पहचान लिया है तो मुझे साथ में क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? इस खुली जगह में बारिश और धूप की वजह से कष्ट हो रहा है, ले चलो ना मुझे तुम्हारे साथ। वो तो नहीं हो पाएगा, वो तो नहीं हो पाएगा। जब दिन अच्छे थे तब तुम आए नहीं, अब तुम्हें कैसे ले जाऊं बताओ तो? तुम्हें दो वक्त का भोग कहां से खिलाऊंगा? मेरी हालत तो जानते हो ना, नमक है तो चावल नहीं। भगवान, आप तो सब कुछ जानते हो ना। तुम अपनी भक्ति के साथ जो भी दोगे मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। ले चलो ना मुझे तुम्हारे घर। तुम्हारे घर में जाने के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल है। रघुवीर, ये कैसा सपना देखा मैंने, ये कैसा सपना देखा मैंने। रघुवीर, 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 तुम यहीं कहीं हो? रघुवीर कहाँ हो, कहाँ हो? इतनी बड़ी जगह में मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? या फिर झूठा सपना था, झूठा सपना था? रघुवीर, रघुवीर कहाँ हो? रघुवीर, ये सांप यहाँ किसको छाया दे रहा है? इसका मतलब भगवान ने मुझे झूठा सपना नहीं दिखाया है, भगवान सच में मेरे पास आए थे, सच में आए थे। चलो चलो भगवान, चलो चलो तुम मेरे घर में चलो, लेकिन मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं, किस चीज से तुम्हारी सेवा करूंगा पता नहीं। जय रघुवीर, जय रघुवीर, जय रघुवीर, जय रघुवीर। पालकी है ना? हाँ ऐसा ही लग रहा है। चलिए दीदी नीचे जाकर देखते हैं। आपका ससुराल आ चुका है मालकिन, उतर जाइए। सरजू बहू, कितने दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, तुम्हारे लिए दिल बेचैन हो रहा था। अच्छी हो ना तुम, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ दीदी अच्छी हूँ। पता है दीदी, आप लोगों के बिना मेरा भी दिल बहुत बेचैन हो रहा था। अच्छा दीदी, आप लोग कब लौटे हैं? कहाँ
मुझे तो कोई खबर नहीं मिली, और बताएगा भी कौन? पता है दीदी, मेरी एक बहन की शादी थी ना, इसीलिए मायके गई थी। सासू माँ के हाथ पैर जोड़कर, आपको तो पता है, मेरे अपने माता पिता को तो मेरी सासू माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती है। क्या पता सबके साथ फिर कब मिलना हो पाएगा। बड़ी दीदी, ओ बड़ी दीदी, आप लोग अच्छे हैं ना? सब लोग ठीक है, सबने बहुत अच्छे से तीर्थ यात्रा की। तू उदास मत हो, हम लड़कियों की तो एक ही तकलीफ है ना, शादी के बाद मायके से दूर रहना पड़ता है और ससुराल की सारी जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है, समझ गई? अरे वाह, तू तो अब बहुत जल्दी माँ बनने वाली है। हाँ बड़ी दीदी, पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है। यहाँ खड़ी होकर सारा दिन निकाल दोगी क्या? अभी इस अवस्था में ज्यादा गपशप नहीं करोगी तो नहीं चलेगा। बुरा मत मानना, अपने मायके से लौटने के बाद सास ससुर के पैर नहीं छूते हैं क्या? पूजा घर में जाके दर्शन तक नहीं किया और यहाँ खड़ी होकर गपशप कर रही हो। ये सब अच्छी बहू के लक्षण है क्या? बस बस, ससुराल में लौटने के बाद पूजा घर में जाके भगवान जी को प्रणाम करना चाहिए। ये शिक्षा भी तुम्हारे घर वालों ने नहीं दी होगी। जाओ, पहले जनार्दन जी के आगे सर झुकाओ, देखती हूँ इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई आता है कि नहीं। इतने दिनों से तो कुछ भी नहीं हुआ, खड़ी क्यों हो? जाओ ना। इस घर के सारे कमरों में एक ही बात की चर्चा है, तेरी गोद में अभी तक एक बेटा क्यों नहीं आया? लेकिन अगर सरजू बहू के गोद में एक बेटा आ जाए? ये कैसी बात हुई दीदी, अंदर महल में इस बात पर चर्चा क्यों होगी? सरजू बहू को बेटा होने से सबको खुशी होगी। तुझे क्या अभी भी समझाना पड़ेगा? हाँ, ससुर जी चाहते हैं तेरी गोद में एक बेटा आए। इतनी सारी जमीन जायदाद सब उनके हाथ का बनाया हुआ है, देवर जी के बाद किसी ना किसी को तो देखभाल करनी पड़ेगी, इसीलिए एक वंशज की जरूरत पड़ेगी ना। जन्म लेने का समय निकट आ रहा है इसलिए डर रही हो क्या? हाँ बताओ, तुम भगवान को कैसा अनर्थ होने की बात कर रही हो? दीदी, दीदी। अरे रो क्यों रही हो, क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? दीदी, ओ दीदी, बताइए ना,
स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा बताइए ना दीदी। इसमें तुम क्या करोगी, संभल के रहना और क्या, स्वस्थ बच्चे को जन्म देना तुम्हारे हाथ में है। लेकिन सब लोग तो मुझे ही दोष देंगे दीदी, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। हाँ, मुझे वो काम करना ही पड़ेगा चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। कौन सा काम? कौन सी तकलीफ की बात कर रही हो तुम, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं कुछ। कौन सा काम? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं दीदी। क्या हुआ बहू, पूजा घर में जाके सो गई हो क्या? बुरा मत मानना, पूजा करने में कितना वक्त लगता है। दीदी मैं अभी चलती हूँ। संभल के उठना, धीरे धीरे। मैं आती हूँ दीदी। सरजू बहू ऐसा कौन सा काम करना चाहती है कि वो बता भी नहीं पा रही है? हे भगवान, आप देखना सरजू बहू का कोई नुकसान ना हो। बस बस ठीक है, इतनी भक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत है पहले वो करके दिखाओ। बैठा दो मुझे। सरजू मैं कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ, समझी? कुछ ही दिनों में यह तय हो जाएगा कि तुम इस घर में रह पाओगी या नहीं रह पाओगी। अगर बेटा नहीं दे पाई तो सीधे धक्के मारकर मायके भेज दूंगा, फिर दूसरी शादी करूंगा मैं। कहाँ जा रही हो बहू, बड़ी दीदी के पास क्या? जहां मन करे जाए, बस बात यह है कि मुझे बेटा चाहिए। भाई राजचंद्र, अगर बैंक ठीक से स्थापित करना है तो अकेले तो नहीं कर सकते, कंपनी का सारा काम सबको बांट लेना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी के नियम कानूनों को तैयार करने के लिए एक नहीं, एक से ज्यादा लोगों की राय की जरूरत है। आशा करता हूँ आप भी इससे सहमत होंगे। हाँ, इस विषय में मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या कोई विश्वास के साथ हमारे बैंक में जमा पूंजी या मूल्यवान चीजें जमा करेंगे? सुनिए जी, आप लोगों के लिए जल आहार यहीं पर भेज दूं। रानी तुम कब आई? अच्छा ही हुआ, सोचा था तुमसे परिचय करवा दूंगा। ये है ठाकुर परिवार के बेटे द्वारकानाथ, हमारे रिश्तेदार, प्रगतिशील पुरुष इन्हें ही कहते हैं। ऐसे है द्वारकानाथ, पूरे व्यापार की दुनिया को बदलने का सपना देखते हैं। प्रणाम भाभी। भाई राजचंद्र हमारी प्रेरणा है, और सुना है राजचंद्र की प्रेरणा आप हैं। आप मेरा नमस्कार ग्रहण कीजिए। मैं कह रही हूँ इनको आप खाना खा के जाने के लिए कहिए, ब्राह्मण से खाना बनवा रही हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको शायद पता नहीं है भाभी, मैं सब कुछ खाता हूँ, जो खाने में भेदभाव नहीं रखता है वो जात पात में कैसे रखेगा। मैं ये सब नहीं मानता, और आपके हाथ के बना खाना तो मैं जरूर खाऊंगा। रानी द्वारकानाथ बिल्कुल अलग तरह के इंसान है, इन्हें इस देश में जन्म नहीं लेना चाहिए था, विदेश में जन्म लेते तो अच्छा होता। ये आप क्या बोल रहे हैं, हमारे देश में सच में किसी महान इंसान ने जन्म नहीं लिया है क्या? जिन्होंने जात धर्म में भेदभाव नहीं किया है, कुसंस्कार को नहीं माना है। मैं कह रही हूँ थोड़ा समय मिलने से अंदर महल में आइएगा, बात करनी है। भाई राजचंद्र, आपकी स्त्री का भाग्य बहुत अच्छा है। राम मोहन रॉय से मैंने आपकी पत्नी के बारे में बहुत प्रशंसा सुनी थी, आज समझ में आया कि
वो इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे थे? सच में इस देश में ऐसी सोच विचार करने वाली महिलाएं बहुत ही कम हैं। भाभी आपकी सच में योग्य सहधर्मिनी है। हाँ भाई, आपकी भाभी के पास से मुझे एक अद्भुत शक्ति मिलती है। रानी जिसमें विश्वास करती है वो काम करने से वो कभी नहीं डरती, यही उसका सबसे बड़ा गुण है। सुनो अभय, तुम मर्द हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इस वक्त लोगों की नजर लगती है, हवा पानी बदलता है, जरा संभल के रहना पड़ता है। लेकिन ये बहू बात सुने तब ना। Hey, तुम माँ की मनाई नहीं सुन रही हो क्या? हाँ सरजू, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो। हजार बार कहा है कि बड़ी दीदी की बहुओं के साथ ज्यादा मेल मिलाप अच्छी बात नहीं है। एक तो पैदाइशी विधवा और दूसरी ने बेटी पैदा की है, उनके साथ इतना घुलना मिलना अच्छी बात नहीं है, नजर लग सकती है। बात सुने तब ना। नहीं नहीं माँ, मैं अब से यहीं पे रहूंगी। कहीं नहीं जाऊंगी, आप जैसे कहेंगी। इस बार मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। इस बार अगर कहोगी बेटा तो होना ही था लेकिन नष्ट हो गया, बेटा तो हुआ लेकिन स्वस्थ नहीं हुआ, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। अच्छी तरह तुम्हें ये सब बातें सिखा रही हूं, इसके बाद मेरा असली चेहरा देखोगी तुम। तुम्हारा हाथ दिखाओ। क्या देखा पंडित जी? हस्तरेखा बता रहे हैं कि तुम्हारे पुत्र होने के योग्य प्रबल है, लेकिन मतलब ये संतान जीवित रहेगी या नहीं ये बात निश्चित नहीं। तुम्हारी हस्तरेखा तो यही बात कह रही है। नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए पंडित जी। अच्छा, मेरा बेटा कैसे जीवित रहेगा ये बताइए ना पंडित जी, बताइए ना। देखो बेटी, जीवन और मृत्यु दोनों भगवान के हाथ में है। भक्ति से भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है। सुना है किसी समय स्वस्थ बेटा पाने के लिए पहले बेटे को विसर्जन किया जाता था माँ गंगा के पानी में। ये सब धर्म का आचरण तो विदेशी गोरे लोग कानून बना के बंद करना चाहते हैं। देख नहीं रही हो इसी वजह से चारों तरफ कैसे अराजकता फैल रही है। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि माँ गंगा ने खुद आके किसी के बेटे को वापस किया। बेटा जन्म लेने से उसको माँ गंगा में विसर्जन करना पड़ेगा, लेकिन ये काम कैसे कर पाऊंगी? वो तो मेरा खुद का संतान होगा। नहीं कर पाओगी, मुझे पता है नहीं कर पाओगी, फिर भी बता दिया। आजकल वैसी भक्ति या विश्वास है कहाँ? कलयुग